हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? हेलो भरभूति जी, ओ बहुत ही तगड़ा तगड़ा तूफान आया है। भाभी जी, हमारे सीने में जो तूफान उठा हुआ है सालों से, कभी आपने उसके बारे में सोचा है? हैव यू थॉट अबाउट इट? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, तूफान बहुत तगड़ा है, कहीं लड्डू के भैया उड़ा तो नहीं गई इसमें? क्या बोल रहे आप? आई एम सॉरी भाभी जी, आई वाज जस्ट जोकिंग। भयानक तूफान चल रहा है, ऊपर से तुम्हें मजाक सुन रहा है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज। ओ मास्टर जी तो उड़ गए। अरे आप तिवारी जी को फोन तो लगाइए। फोन लगाया? हम लगाए थे, बहुत बार लगाए रहे, उनका फोन होमवर्क के बाहर है। भाभी जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क सही पकड़े हैं। That's right. हवा में भाभी जी, आप नहीं उड़ेंगी, पकड़ के रखूंगा मैं आप। अभी रेम जी डॉक्टर साहब लड्डू के भैया को कहीं देखेगा? नहीं नहीं भाभी जी, हमने नहीं देखा। और डॉक्टर, तू जरा कस के पकड़ के रख, कहीं छूट गया ना तो साले पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ उड़ गया। भाभी जी, तिवारी भैया का जल्दी पता लगवाइए, क्योंकि यहाँ से भी ज्यादा तेज तूफान छकरकटी में आया है। कई लोग उड़ उड़ के आ रहे हैं, हम भी वहाँ से उड़ कर आए हैं। वहीं उड़ के जाओ भी, चलो उड़ गए भाभी जी, नेवर माइंड। भाभी जी, बड़ा खतरनाक तूफान मालूम होता है, अगर आप कहें तो मैं चलूँ आपके साथ ढूंढने के लिए लड्डू के भैया को। नहीं नहीं नहीं, तो हम भी उड़ जाएंगे। भाभी जी, आई डोंट माइंड, आपके साथ उड़ने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। आका बोले? अरे कुछ नहीं भाभी जी। अरे बताओ, बचाओ बचाओ रे, तगड़ो तूफान आ गयो रे। कसम खा के कह रही हूँ, इतने से कितना बड़ा हो गया, लेकिन आज तक इतना बड़ा तूफान नहीं देखा। टीका तीनों भैया अल्लू के भैया को कहीं देखेगा? अरे भाभी जी, ये तो मौसम खुलने के बाद ही पता चलेगा कि शेर जी पेड़ से लटके हैं या फिर गंदे नाले में बह गए। तो तुम भी गंदे नाले में बह जाओ। भाभी जी डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ। जोर से आंधी चल रही थी, मैंने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। तुमने तो हमेशा खिड़कियां बंद ही की हैं विभू। नहीं नहीं, मैं खिड़कियां खोलता भी हूँ। सवेरे कौन खोलता है खिड़की? मैं तो खोलता हूँ। हाँ, ये वाली खिड़कियां खोलते हो और वो वाली खिड़कियां बंद कर देते हो। अगर मैं किसी की खिड़की बंद नहीं करूंगा तो वहां से चोर उचक्के अंदर आ सकते हैं यार, बहुत रिस्की खिड़की है वो। काश कि तुम्हारी खिड़कियां समय रहते खुल जाए, तो तुम्हारे लिए जमाने की खिड़कियां बंद होने की नौबत नहीं आएंगी। यार बारिश में खिड़कियां बड़ी चुर चुर करती हैं। खिड़कियां तो तुम्हारी चुर चुर करने लगी हैं विभू। इससे पहले कि वो जंग खाकर हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तेल डाल लो अपनी खिड़कियों पे। पर सड़क पे। हेलो मालकिन। हमको मालकिन काहे बुला रहे हैं? क्योंकि हम आपके गुलाम हैं मालकिन। दिया, कैसे गुलाम हैं? हम आपके नौकर हैं मालकिन। हाय दिया, आप हमारे यहाँ कौन सा नौकरी करते हैं? उम्मीद तो आपसे मोहब्बत करने की नौकरी मिल जाए, लेकिन अफसोस मिल नहीं रही है। आप क्या बोले? अगर भाभी जी, आपके जो पति है ना तिवारी जी, उन्होंने हमें टेम्पो ड्राइवर रख लिया है। आप टेम्पो ड्राइवर बन गए हैं? जी भाभी जी, हम टेम्पो ड्राइवर बन गए हैं। तो यहाँ
खड़े होकर टाइम पास काहे कर रहे हैं, जाकर अपना काम काहे ना करते हैं। भाभी जी आप अपने मुलाजिम से ऐसे पेश आती हैं? नहीं नहीं ऐसे कभी भी पेश नहीं आते हैं, लेकिन कहा है ना कभी कभी थोड़ा सख्त होना पड़ता है, आजकल के सरपंच का भाव बहुत बढ़ गया है। अभी सरपंच तो आपने घर में पाल रखा है? हाँ कहा बोले? अभी जो सर्वेंट कहना चाह रही हैं आप? आ सही पकड़े हैं। भाभी जी मैं थोड़ा अलग किस्म का नौकर हूँ, डिफरेंट मिजाज का नौकर हूँ, थोड़ा तुनक मिजाज हूँ, और मुझसे आप जरा प्यार से पेश आया करिए। हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी अब से आप मुझे विभू डार्लिंग बोलेंगे। ठीक पापर भूती भैया डार्लिंग। ये आपने भैया को जोड़ दिया बीच में। वो कहा है कि हम अपने मुलाजिम को भैया कहकर बुलाते हैं ना, समझे भैया जी? भाभी जी आर यू कॉलिंग मी भैया? भैया क्यों बुला रही हैं आप मुझे? तो भाई तो आपको समझा रहे ना भैया जी, हमारा बात समझने का कोशिश कीजिए। भाभी जी देखिए जो आप मुझे पहले बुलाती थी वही बुलाइए बस। भरभूति भैया। आप भैया भैया क्यों बुला रही हैं? आप मुझे पहले बुलाती थी भरभूति जी। हाय दिया आप हमको कितना कंफ्यूजिया दिया, अभी बोले रहे कि आपको अलग ढंग से पेश आना पड़ेगा। हाँ अब आप ही बताइए कहाँ बुलाएं, भरभूति भैया की भरभूति जी? भाभी जी आपको तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है, आप मुझे भरभूति जी बुलाइए, भरभूति जी, दैट्स राइट। ठीक बा भरभूति भैया, हम आपको भरभूति जी बुलाएंगे। थैंक गॉड। मैं पूछ रहा हूँ तो किससे बात कर रहे हैं अबे? मैं चमेली छाप कच्छा बनियान कंपनी का सीईओ बोल रहा हूँ, और मैं अपने 2% के ड्राइवर से बात कर रही हूँ। तुम दोनों ने मेरी बेइज्जती करने का ठेका ले रखा है क्या? वहां तेरा 2% का सेठ मेरी बेइज्जती करता है, या तू 2% का नौकर मेरी बेइज्जती करता है? जमाल संभाल के, जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के, आई समझो? जबान संभाल के बात करनी पड़ेगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छीड़े तुम पे आएंगे बेटे। चुपचाप काम कर ले, बहस मत कर, सीओओ कंपनी का सीओओ। हम तो काम कर रहे हैं बेटा, लेकिन तू अपनी औकात भूल गया है। भूल गया वो दिन जब तेरा सेठ तुझे लात मार के निकाल दिया करता था, तुम्हारे पीछे भेजा आता था कुत्ते की तरह तुम हिलाता हुआ, हम तुझे खिलाते थे पिलाते थे। भूल गया वो दिन जब तेरे मालिक ने तुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया था, जेल में बंद करवा दिया था, कौन छुड़वाने आया था? हाँ तेरा बाप। अबे यार तू क्यों 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 गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? अगर मेरे सेठ को पता चल गया तो लात मार के बाहर निकाल देंगे। बहुत बेइज्जती हो गई बॉस, बहुत बेइज्जती हो गई। हेलो आई एम होम। बेबू उठो ना। प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरे पास से पसीने की बदबू आ रही है। ये पसीने की बदबू नहीं बल्कि किसी ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू है। पता है फिर मैं कब से कितने दिनों से इसी पल का इंतजार कर रही थी, इस पल का तसव्वुर कर रही थी कि कब तुम थके मादे पसीने से सराबोर घर आओगे, अब मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूंगी। छोड़ो जाने दो, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। विभू उठो ना। मूड खराब नहीं हो जाएगा, मूड और अच्छा हो गया है। तुम्हारे इस मेहनत के पसीने की खुशबू को सुनकर। यार ये तुम बार बार ये पसीना पसीना पसीने पे क्यों इतना स्ट्रेस दे रही हो यार? टेम्पो लायो? हाँ लायो, नीचे खड़ा है, कल डिलीवरी लेके जानी है। चलो ना राइड करके आते हैं। मत थका हुआ हूँ। विभू उठो ना। तुम मेरे साथ चलो तो सही, तुम्हारी सारी थकान निकाल दूंगी। तुम मानोगी नहीं।
देखिए जनाब, आपने हमें मुफ्त में ही पेडलर बना दिया है, लेकिन हमारे जरिए किसी और को पेडलर मत बनाइएगा प्लीज। फिक्र मत करो तिवारी, तुम्हारे जरिए हम पूरी मॉडर्न कॉलोनी को पेडलर बना देंगे। अगर किसी को पता चला कि हम भी इस गोरख धंधे में शामिल हैं और हमारी वजह से पूरे मॉडर्न कॉलोनी को पेडलर बना दिया गया है, तो ना जाने कितनी सारी धाराएं हम पर लग जाएंगी। आप समझिए। अरे डिंपल, कैसी हो? क्या क्या जोर की दाढ़ी में तिनका? क्या हो गया सेठ जी, आप कछू ठीक ना दिख रहे। अभी अभी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम कहीं से पिट के आए हो। अरे किसी की मजाल है जो जो हमें पीट दे। अच्छा एक तो बात बताओ, हमारा एक काम कर दोगे? पापा जी, हम बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। एक काम करो, ये झकरकटी में हमारे क्लाइंट तक एक कच्चे बनियान का पार्सल पहुंचाना है। बेटे मेरे बेटे, ये रिक्शा का भाड़ा तुम्हारा बाप देगा? ये 100 रुपए पकड़ो और रस्ते में चाट मसाला वगैरह कुछ खा लेना, ठीक है? एक्चुअल में अंकल, 100 रुपल्ली में ना चाट को चाय भी ना होगो, 500 रुपया ढीले कर दो चुपचाप। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, वो सारी सारी वो हम आपको देखे ना ही, वो हम थोड़ा ब्लैक हो गए थे। ब्लैक तो चाचा जी की आंखें हो गई हैं। आप ब्लैंक कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। कोई बात नहीं, वो तो मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी। एनीवेज, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर गुलाटी, कोठरी क्लब के प्रेसिडेंट। और मेरा दोस्त भी है। नमस्ते नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। खुशी तो हमें भी बहुत होगी जब हम आपके पति देव मिस्टर मनमोहन तिवारी जी को अवार्ड से सम्मानित करेंगे। हाय दियो, क्या बात कर रहे हैं? अब हमने लड़के के भैया ऐसा क्या किए? अंगूरी जी, ये अवार्ड शहर के सबसे आदर्श नागरिक को दिया जाता है। और ज्यूरी होने के नाते जो है इसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मिस्टर गुलाटी, अगर मैं तिवारी जी की लाइफ को 2 लाइन में डिस्क्राइब करूँ ना, तो मैं कहूंगी कि बहुत ही सिंपल से सीधे साधे से इंसान है, जो अपने बिजनेस के अलावा और किसी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। सच्ची जी भाभी जी, मैं आपके इस फैसले की दाद देता हूँ और भाभी जी आपको मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू। वो कहा है कि सच्ची हमको तो अब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे लड़के भैया को अखरोट मिलने वाला है। वो अवार्ड होता है बहू। ऐसा ही पकड़े हैं। वो जैसे आएंगे ना, हम ना उनको ये गुड न्यूज़ दे देंगे। अरे ओ ओ बाबूतिये, जरा सुन, देखिए मेरी बेइज्जती करके तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। मस्ट बी गेटिंग दैट सैडिस्टिक प्लेजर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है, ये जो हमारा पेशा है ना, इसमें एक तरह की बदतमीजी है, क्योंकि कच्चे बनियान का पेशा है ना, है ना। अब हम लखनवी अंदाज की मतलब भाषा में तो नहीं कह सकते ना, आइए आइए भभूति जी, आइए तशरीफ का टोकरा फरमाइए वगैरह वगैरह। जरूरी नहीं है कि आप लखनवी अंदाज में ही बोलें, साधारण भाषा में भी आप इज्जत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है कि हम यहाँ पर भाषा की क्लास लेने नहीं बैठे हैं, धंधा करने बैठे हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए, वैसे हमारे 10 मिनट बर्बाद करके रख दिया आपने। ये पैकेट पकड़िए, इसे रामनारायण मार्केट में डिलीवर करना है जी। क्या है इसके अंदर? अरे कच्चा बनियान है और क्या है। सॉरी, जिन पे कच्चा बनियान है उन पे ये लेबल लगे हुए हैं, चमेली छाप कच्चा एंड बनियान। इस पे कोई लेबल नहीं है, दिस इज एनोनिमस। हाँ तो ठीक है, तुझे क्या लेना देना है? मुझे लेना देना है? हाँ? क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि इस डब्बे के अंदर क्या है, बिकॉज मैं ये डब्बा डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें नशीली दवाएं हैं जिसका धंधा हम करते हैं। अब बोल क्या बोलता है तू। चखिए मत। देखिए, ऑन अ नाइसर नोट,
मैं आपका मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है तो क्या सर पे चढ़ के बैठेगा तू? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर इस डब्बे के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा निकला तो आप और मैं दोनों ही जाएंगे जेल। हाँ ठीक है, ला यही खोल के दिखाते हैं कि इसकी नहीं, एक मिनट, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है मुझे इसकी। हाँ तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा ना हमको, हम जब भी बाहर निकलेंगे तो लोग हमको बोलेंगे चिल्ला चिल्ला कर, ओ देखो बटलर का बेबी जा रहा है। बटलर नहीं, स्मगलर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं पगली, हमने तुम्हें पहले बताया तो था, तुम्हें पता भी है कि कोई कोई आदमी हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमारी बहुत सारी फोटोग्राफ्स उसके पास हैं। हाँ तो हमको सच्ची सच्ची बताइए, आप आ, आ, आप कत्ल तो नहीं किए ना? अरे पगला गई हो क्या तुम, हमें जानती तो, अरे हम तो एक मच्छर तक नहीं मार सकते। उस आदमी ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो हमसे अपनी मनमानी करवा रहा है। वो कहीं कहा लेगा? हाँ उठाई उठाई इस पाइकर पर डालिए। हेलो हेलो मिस्टर मनमोहन तिवारी, बस आई वुड लाइक टू से इन वन वर्ड, जस्ट फैंटास्टिक। हम समझे नहीं, मतलब कि जो सेवाएं आप दे रहे हैं ना वो सेवाएं बहुत ही सेफ है, अभी तक आपकी इन सेवाओं में से कोई रिस्क सामने नहीं आया है। देखिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज हमारा अब इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अरे अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी साहब, अभी अभी तो हमारी दोस्ती हुई, अभी अभी तो संबंध बने हैं, अभी तो बहुत काम करना है हमें साथ में, नए नए लोगों को मिलना है भाई। देखिए जनाब, आप मत दिखाइए मुझे, आप देखिए। क्या क्या देख लीजिए? एक लिस्ट भेजिए। कैसी लिस्ट? जिन जिन लोगों को माल डिलीवरी करना है उनकी एक लिस्ट बनाकर भेजिए। हाँ और उसमें टॉप नंबर में आपकी वो पड़ोसन भी है, क्या क्या नाम है उसका, वो पड़ोसन? आप किस पड़ोसन की बात कर रहे हैं, कहीं आप अनीता भाभी की बात तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये जो अनीता मैडम है ना, आप इनके बारे में काफी कुछ जानते हैं, कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, सब। क्या 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 कहना क्या चाहते हैं आप? एक पैकेट अनीता भाभी को भी दे दो, क्योंकि जहाँ उनकी ग्रूमिंग क्लासेस है उसके पास ही हमारा एक जॉइंट भी है। देखिए जनाब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं, कृपा करके भाभी जी को अब इस गोरख धंधे से दूर रखिए। आपकी वाइफ भी लिस्ट में है और भी बहुत लोग हैं कॉलोनी में। देखिए जनाब, हमारी बात सुनिए, हमारी मेरा आदमी माल लेके आएगा, सारे पेडलर्स तक पहुंचा देना, वरना गोली मार दूंगा। हेलो 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 हेलो, आइए आइए तिवारी जी, क्या हुआ तिवारी जी, इतनी रात गए और आप लगातार डोरबेल बजा रहे थे, सब खैरियत तो है? लगता है भाभी जी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया इनको। हाय दिया, भाभी जी आप भी आई हैं? ऐसा काहे बोल रहे हैं, हम अपने पति को घर से काहे निकालेंगे? हमेशा मजाक के मूड में मत रहा कीजिए, समझ गए? मजाक तो आपने किया है हमारे विश्वास के साथ। वो प्लीज, जो हो गया सो हो गया, अब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। Okay. All right, I got it. Yeah, sure. तिवारी जी आप बताइए, what's your problem? क्या बताएं भाभी जी, अब किस मुंह से बताएं? इसके अलावा कोई और मुंह है क्या आपके पास? Use the same mouth, please. He's got one. तिवारी जी आप भूमिका मत बांधिए, साफ साफ बताइए क्या हुआ? हमारी तरफ का देख रहे हैं, वो पॉकेट निकाल के दीजिए ना। ये क्या है? ये नशीली दवाओं का पैकेट है भाभी जी। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? भाभी जी वो आदमी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये पैकेट हम आपको दे, ताकि आप जो है वो सामने वाली पार्टी को दे दे।
आपका दिमाग फिर गया है? Are you mad? आप अनु को मुफ्त में पेडलर बना रहे, शर्मानी चाहिए आपको। बेबू एक मिनट, तुम्हें भी पता है कि तिवारी जी अपने से ये काम कभी नहीं कर सकते हैं। We never know about him. नहीं बेबू, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ भाभी जी, हाँ बिल्कुल सही सही कह रही है। पर तिवारी जी, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं तो जेल चली जाऊंगी ना। Of course. भाभी जी, यही चिंता तो हमें सताए जा रही है, लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो वो हमें मार देंगे। अनीता जी, सच्ची, अब हमारा सुहाग, हमारी जिंदगी आपके हाथों में। अगर हमने लड्डू के भैया को कुछ हो गया ना, तो हम भी ना ही जिंदा बचेंगे, हम भी टह बोल देंगे। आप हमारे सुहाग को आप ही बचा सकती हैं। हम झोली फैलाते हैं आपके सामने। भाभी जी, भाभी जी का दुख दुख दिखाने जा रहा है मुझसे, तुम ये कर लो। तुम मुझे जेल जाते हुए देखना चाहते हो? तुम इतने स्मार्ट हो कि आज तक दुनिया की कोई ऐसी जेल नहीं बनी कि तुम्हें रख सके। आई नो इट। रहने दो, बस करो, ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मनु वरना देख रहा हूं, आई बे बग। अच्छा, इसे बच्चों का खिलौना समझने की गलती मत करना अप्पू सिंह, ये नशीली दवाओं का डिटेक्टर है। मतलब कोनो आदमी अगर नशा को सामान रख के जाके पास से गुजरेगो तो जो का नाचेगो, फुल फॉर्म कली हो जाएगो। अप्पू सिंह, ये कोई आइटम गर्ल नहीं है जो नाचेगा। अब कोई भी आदमी इस मशीन के सामने से नशे की दवा लेके गुजरेगा तो ये जो है रेड लाइट जलेगी। और अगर कोनो नॉर्मल आदमी निकलू तो ग्रीन लाइट जलेगी। अब जैसे तुम्हारे मेरे पास में कोई ऐसी चीज नहीं है तो देखो ग्रीन लाइट जल रही है। अच्छा, मतलब बेसु कछु हो तू तो मतलब दपाक से लाल लाल जल जाते। एकदम, यू आर राइट, तो बहुत बढ़िया चीज है। जय हिंद सर। का डब्बा में सब्जी रोटी है सर, आज तो मैं पनीर की सब्जी लेके आया हूँ। ज्यादा होशियार समझ रहे हो का? सारे लाल बत्ती ऐसे ही जल रही है। बता, जेके से कहते रुक का संबंध है? I'm sorry सर, लेकिन मेरा जेके से कोई संबंध नहीं। देखो झूठ, जो 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 फ्री बंड में जल रही, इसकी तलाशी लो। सर क्या कह रहे हैं सर आप? रब्बा जी, हाथ ऊपर सर, हाथ ऊपर। देखा सर, कुछ नहीं है सर। अबे कहाँ देखूं, तो पीछे की बाकी है ना, सब देखन देना। Excuse me, sir. आप बहुत डीप जा रहे हैं, यहाँ से जेबों की सरहदें खत्म हो जाती है, अब बस आपको ऊबड़ खाबड़ गड्ढे ही मिलेंगे। सर, देख रहे साहब, कहे जो अपनी गाड़ी चेक नहीं होने दे रहे, पिछली बार भी चकमा देके भाग गए तो आज आप भी मना करोगे। आप मना करोगे, हम नहीं मानेंगे, हम चेकिंग करेंगे। क्यों, आप बड़े हो गए उनसे? आप सिर्फ एक छोटे से इंस्पेक्टर हैं और वो कमिश्नर साहब हैं, जैसा वो कहेंगे करना पड़ेगा आपको। रिलैक्स जेंटलमैन, रिलैक्स, मैं हूं ना अप्पू सिंह, को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अप्पू सिंह, आप टेम्पो की तलाशी लो। ओके। देखा, अप्पू ने मेरी बात नहीं टाली ना। मनोहर, यस सर, मशीन ले आओ और पूरे टेम्पो का ऑपरेशन करो। नीचे से फाड़ना है या ऊपर से? लो, यस सर।
मेरे जैसे काबिल डॉक्टर के हाथों नशीली दवाएं बिकवा दी। सही कह रहा हूँ, आत्मग्लानी में गड़ा जा रहा हूँ। आप लोगों से बता नहीं सकता मेरे ऊपर क्या बीत रही है, इतनी मुझे आत्मग्लानी हो रही है। हेलो, चला दीजिए। हम जानते हैं ग्लानी आपको हमारी वजह से हो रही है ना डॉक्टर साहब। नहीं नहीं तिवारी भैया, आप क्यों शर्मिंदा होते हैं, इसमें आपका क्या दोष? अब आप खुद उस जेके के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये आप मानते हैं डॉक्टर साहब? अरे तिवारी भैया, ये बात मैं क्या, ये हर कोई मानता है, आप लोग भी मानते हैं ना ये बात? हाँ। मानते हैं ना प्रेम भाई, भाभी जी? हाँ हाँ कच्चा बनियान, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। नाना सेठ जी, इस मामले में तुम तो बहुत ही भोले हो, बहुत ही मासूम हो सेठ जी। ये सारी गलती है ना, ये सारी फॉल्ट बस जेके की हरी है। ये सब लोग सही कह रहे हैं तिवारी जी, हमें पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप मासूम हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। पैकेट तैयार है पगली? हाँ हाँ। तो देखो जरा, पहले किसका है ये? ये पहला है टीका का। यहाँ देखो ये ले, टीका इसे अफीम कोटी के पीछे डिलीवर करना है। दूसरा नाम पगली? ये है टिल्लू भैया का। टिल्लू ले बेटे, इसे झकरकटी में डिलीवर करना है। और अगला नाम किसका पगली? किसका है अगला नाम बताना भाई? अगले नाम कौन से पगली? डॉक्टर साहब, ये आखिरी प्रेम जी। इसे कानपुर रेलवे स्टेशन में डिलीवर करना है। अबे ओ कच्चा बनियान, अब हमसे ये काम नहीं होगा। तिवारी भैया, अब हम ये काम नहीं कर सकते। और क्या, बहुत बदनामी हो चुकी है हमारी, वैसे सोसाइटी में है ना, मेरी रेपो खराब हो रही है, मेरी इज्जत खराब हो रही है। और मैं अपनी रूसा जान से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। टीका और टिल्लू भैया बहुत अच्छे, हमको तो अपने कानों पे विश्वास ही ना हो रहा है, कि आप लोग ही बोल रहे हैं। दो दिन में मॉडर्न कॉलोनी को पेडलर बना दिया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है जेके, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। पुलिस, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं रहा। हम कुछ कहेंगे नहीं, अब जो कहेगा ये वीडियो कहेगा, तब देखिए। बहुत जल्द कानपुर की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मेरी नशीली दवा बिकने लगेगी। मैंने तो दो दिन में मॉडर्न कॉलोनी को पेडलर बना दिया। क्या देख रहा हूँ, मोबाइल के वीडियो पे रोशनी डाल। लेकिन आप लोग को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, आप लोग है कौन, कहाँ से आए? कहाँ से आए? पहचाना नहीं, लेकिन आप तो वेटर है ना जी, आप कौन है? वेटर नहीं है, हम वो शरीफ आदमी है जिसे आपने पेडलर बना दिया। अरे, और आपकी वजह से मैं जेल जाते जाते बचा हूँ। अरे तेरी वजह से हमारी नौकरी जाने वाली है। अब सिंह जी, इस आदमी को अरेस्ट करो और ऐसा केस बनाओ कि इसकी रूह कांप उठे। अरे नहीं नहीं नहीं, चुप कर। साहब हम क्या कह रहे हैं, सारी पे ब्लास्ट को केस डाल दें का? अरे क्या बात करें, नहीं नहीं इतना बड़ा केस नहीं, आप इतना बड़ा केस मत बनाइए ना। अच्छा तो फिर डकैती को डाल दें? नहीं नहीं, अब मैं आपको बता दूं, देखिए आप एक काम कीजिए ना, आप हल्का फुल्का कोई चोरी का इल्जाम लगा दीजिए। यार ये तो फरमाइश पे लो, होटल में खाना खाने आओ का। हम सारे ऐसो केस बनाएंगे ना, ऐसो घुसे को सारे, जब बाहर आएगा ना हवाला से, सारे तेरे मुंह में न दांत होंगे न पेट में आंट होगी। अरे अच्छा, कोई देखिए आपने जो भी हमारे लिए डिसाइड किया हमें मंजूर है, कोई बात नहीं, पर इन दोनों खूबसूरत लड़कियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अभी अभी नई नई मेरी टीम में शामिल हुई थी। विभू,
अले टुके भैया, पहचान लिया ना तेरी। तुम जो समझ रहे हो हम वो नहीं है। कहा है ना कि हम ई मोहल्ले की भाभियां हैं और हमरे मोहल्ले की तरफ कोनो भी आंख उठाकर देखता है ना हम क्या आंखें नोच लेते हैं। वो का कहावत है आई फॉर NRI। ये क्या चल रहा था? नहीं ना कोई चिट्ठी ना पत्री, फिर अचानक कैसे टपक पड़ी? अरे भाई अपने घर में आने के लिए हमको चिट्ठी पत्री भेजना पड़ेगा ना। हमारा कहने का मतलब ये था कि हमसे कह देती हम लेने आ जाते। अच्छा तो तुम का हवाई जहाज से आ जाते हैं? ना ना रिक्शा से आ जाते। हाँ तो हम हवाई जहाज से आए हैं ना, हम भी तो रिक्शा से आए हैं। खैर उस छोड़ो, बताओ सब कुशल मंगल? हाँ हाँ लड्डू के भैया सब कुछ कुशल मंगल है। और कहा है ना कि अम्मा जी ससुर जी को हमरा मतलब पंडित राम फल को ना हमरी कुंडली दिखाई रही। हाँ हाँ तो क्या लिखा था कुंडली में? का बोले हैं पता है पंडित जी? कि ना हम बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिसिटी बनेंगे। बहुरिया सेलिब्रिटी होता है ऐसे ही पकड़े हैं। तो कहा ना बहुत बड़ी हस्ती बन जाएंगे हम भविष्य में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुरिया सेलिब्रिटी बनने का कोनो जुगाड़ बिठाओ है और जिससे कि इनका जो है बहुत नाम हो। कहे कि पंडित रामफल भविष्यवाणी है, ये फेल हुआ ना तो तुम्हारे गुर्दे का हम क्या करेंगे तुम जानते हो बढ़िया से है। अरे लेकिन ये सेलिब्रिटी कैसे बन सकती है अम्मा, ये कुछ चौका चूल्हा के अलावा आता का है? देखी देखी अम्मा जी। तो भी सेलिब्रिटी बनेगी समझा ना, और अगर तू बीच में रुकावट बना तो तुम्हारे गुर्दे को पका के तुम ही खिला देंगे। मास्टर मुझे भी दो चार टिकट है दिलवा देना। अरे भाई कहाँ से मिलेगा, सारी की सारी टिकटें बिक चुकी हैं, हाउसफुल का बोर्ड लगा है। हाय एवरीवन, हाउ आर यू रूसा जान? आई एम वेरी गुड। तुम दोनों मेरे साथ चलो अभी। कहाँ? हलवा में जलवा की 3 टिकट्स लेकर आई हूँ मैं। लेट्स गो फॉर द शो। वाह रूसा तुम तो बड़ी ग्रेट हैरी हो यार। आइए रूसा जी आइए। हम भी चलते हैं भाई, सब काम धाम निपटा के शाम को फिल्म देखने जाएंगे मास्टर जी के साथ। यार लौंडे भी फिल्म देखने गए, मां साहब भी गए, मुझे भी कहीं से टिकटों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे वाह सपना पैलेस के मैनेजर का नंबर। हेलो आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैं भी कहीं से जुगाड़ लगाता हूँ। भाई ये फिल्म बनाने का बिजनेस कैसा है? अरे कमाल का धंधा है भैया, 10 रुपए लगाइए फिल्म बनाइए, अगर फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई तो करोड़ कमाइए, और अगर फ्लॉप हो गई तो रोड पे आके भीख मांगिए। ये क्या बकवास कर रहा है भिखारी? अरे मैं सही कह रहा हूँ भाई। अच्छा तू तो भिखारी है, तुझे फिल्म का इतना ज्ञान कहाँ से हो गया? मैंने भी 3 फिल्में बनाई थी, पहली फिल्म सुपर हिट, दूसरी फिल्म सुपर फ्लॉप और तीसरी सुपर से भी ऊपर डुपर फ्लॉप। और मैं यहाँ ये लीजिए। इतना मुस्कुरा क्यों रहे भाई? हा? भाई हम भी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। मत बनो प्रोड्यूसर वरना मेरी तरह कटोरा लेके भीख मांगोगे, बता रहा हूँ। भाई अपनी अपनी किस्मत है, कोई हिट है तो कोई फ्लॉप है। हेलो कौन बोल रहा है? अच्छा बुलंद शहर वाले राजवीर फूफा जी की बहन बोल रही हैं। हाँ कहिए क्या सेवा कर सकते हैं? आए हम तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन ले लें? लगता आपने गलत नंबर मिला दिया। ये लो बस्ती बसी नहीं लुटेरे साले पहले आ गए।
हाँ कहिए कल्लू मामा जी, कैसे हैं? कैसे याद किया बहुत दिन बाद? आए हम फिल्म बना रहे हैं हम? अरे हम तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अलटकी भैया, आप झूठ काहे बोल रहे हैं रिश्तेदारों से? तो क्या करें, इन सबको अपनी फिल्म में कास्ट कर ले। हम ऐसा तो ना ही बोल रहे हैं, लेकिन झूठ तो ना ही बोलना चाहिए ना। ऐसा ही जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये आदमी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई ना कोई कमजोरी ढूंढते रहते हैं कबकात। ऐसा काहे बोलते हैं? अगर बेचारों को पता चल गया कि फिल्म बना रहे हैं तो का बिगाड़ लेंगे आपका? हवन करेंगे समझी, यज्ञ करेंगे कि हमारी फिल्म किसी ना किसी तरह से फ्लॉप हो जाए। फिर तो ना ही बताइए आप। हाँ बिल्कुल, हम इनका साया तक नहीं पड़ने देंगे अपनी फिल्म पे। तुम बात कर रही हो? हाँ वो भी ठीक बा। वो ना हमको एक तो बात बोलना है आपसे। हाँ बोलो बोलो। कहा है ना, आपको पता है आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, वो ससुर जी है ना। मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ और आज के बाद मुझे हर एक शख्स से ना एज एन एक्ट्रेस मिलना होगा। और अपने तिवारी जी से भी ना मैं एक पड़ोसी की हैसियत से नहीं, एक एक्ट्रेस की हैसियत से मिलने जाऊंगी। कुछ ऐसा पहन के जाऊं कि मुझे देखते ही उनको बस लगना चाहिए कि वाओ वाओ, ये है मेरे फिल्म की हीरोइन। एक्चुअली मेरी जो फिल्म की जो स्टोरी है ना, उसमें जो जो फीमेल लीड है, शी इज लाइक यू मैन, शी इज लाइक यू, वो तुम्हारी तरह है, तुम्हें वो कैरेक्टर बहुत सूट करेगा, सीरियसली। तुम राइटर्स लोगों के ना यही प्रॉब्लम है, हर जगह अपनी फील्डिंग भरने में लग जाते हो। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी फील्डिंग नहीं कर रहा, बल्कि भाभी जी इस परिधान में कितनी खूबसूरत लग रही है। हेलो भाभी जी, हेलो। हेलो तिवारी जी। जी भाभी जी, हम बेहद क्षमा प्रार्थी हैं। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। खैर क्या लेंगी आप? और तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी फिल्म में काम चाहिए एज अ हीरोइन। भाभी जी क्या बात कर रही हैं आप, आपको काम मांगने की जरूरत नहीं है भाभी जी, आप तो बस हुक्म कीजिए। नो 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 तिवारी जी, बिल्कुल नहीं, मुझे हुक्म करके काम नहीं चाहिए, बल्कि अपने टैलेंट से काम चाहिए। अरे भाभी जी, हम आपके टैलेंट के विषय में जानते हैं। आपने मेरा टैलेंट कहाँ देख लिया? जब भी प्रातःकाल हम आपके द्वार पे आते हैं तो हम आपके भीतर की विभिन्न ललित कलाओं का अवलोकन कर लेते हैं। तिवारी जी यानी कि मैं आपकी फिल्म में काम कर रही हूँ एज अ हीरोइन? बिल्कुल भाभी जी, आप हमारी फिल्म में रोल कर रही हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मैं आपके ऑफिस में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हूँ। भाभी जी ऑफिस आने की जरूरत है ही नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट जेब में लेकर घूमते हैं? जी भाभी जी, हम चाहते हैं कि कानपुर में सबको ये बात पता चल जानी चाहिए, तिवारी जी ही एकमात्र ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो एक जेब में कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे में कैश लेकर घूमते हैं। क्या है कि कोई भी टैलेंटेड एक्टर मिल जाए तो उसे हम गंवाना नहीं चाहते। वेरी इंटरेस्टिंग। ये लीजिए। वैसे क्या क्या क्लॉजेस हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में? भाभी जी पहला क्लॉज तो ये है कि हमारी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप मुंबई की कोई फिल्म साइन नहीं करेंगे। प्रोड्यूसर की इजाजत के बिना आप अपने पति के साथ भी कहीं बाहर घूमने नहीं जाएंगी, यहां तक कि प्रोड्यूसर की इजाजत के बिना आप उन्हें टच भी नहीं करेंगे। एक मिनट तिवारी जी, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं या मुझे हाउस अरेस्ट करने के मंसूबे बना रहे हैं? देखिए अगर ऐसा है ना तो प्लीज मुझे नहीं करना है, मैं मुंबई चली जाती हूँ। अरे अरे नहीं 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 भाभी जी, देखिए ये तो कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस हैं, इसे मानना या ना मानना ये आपसी समझदारी है।
आप नहीं मानना चाहती तो मत मानिए, हम कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं, समझ रही है ना? फिर मैं साइन करती हूँ, लेकिन आप प्लीज बाद में कोई नाटक नहीं खड़ा कीजिएगा। भाभी जी कोई नाटक वाटक नहीं करेंगे, आप तो बस हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमारी फिल्म का उद्धार कर दीजिए। थैंक यू तिवारी जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हर्निया सुनामी वेलकमिंग यू ऑल इन टुडे स्पेशल। जैसा कि आप देख सकते हैं हम सब मॉडर्न कॉलोनी में हैं और यहाँ पर एक फिल्म की अनाउंसमेंट होने वाली है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है जाने माने मशहूर कच्चा बनियान के व्यापारी मनमोहन तिवारी। आइए उनसे पूछते हैं, बिकॉज कानपुर वॉन्ट्स टू नो, मॉडर्न कॉलोनी वॉन्ट्स टू नो कि मनमोहन तिवारी का धंधा, उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, इतना बढ़िया चल रहा था, फिर उनको ऐसा क्या दौरा पड़ गया कि उन्होंने इतने खतरनाक बिजनेस में अपनी मुंडी घुसेड़ ली। तिवारी जी, I'm really sorry, I'm late. रख रख, कुर्सी आपकी नहीं है, हीरो की कुर्सी है, साइड में खड़े रहिए। अड्डू, He's the producer. Sorry. अरे अरे एक हुआ, खड़े-खड़े मुंह क्या देख रहे हैं यार? पानी पिलाइए ना। तिवारी जी मैं राइटर हूँ फिल्म का। राइटर तो पानी नहीं पिला सकते, पानी पिलाइए। सब राइटर तो अपना खून पिलाता है, ये लीजिए पीजिए। थैंक यू दादा। दादा अब आई मीन विभू, मैं क्या कह रही थी कि देखिए दुनिया में हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में से आधी जिंदगी तो एक्टिंग करते हुए बिताता है, लाइक रियल लाइफ में भी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर इंसान एक एक्टर है। सही पकड़े हैं, हम भी यही मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक तो अभिनेता छुपा होता है। अनीता भाभी जी आप बताइए आपका किरदार किस तरह का है इस फिल्म में? अपने किरदार के बारे में मैं क्या बताऊंगी, हमारे राइटर साहब बताएंगे। देखिए मेरा किरदार जो बड़ा फ्लैम्बॉयंट किस्म का किरदार। अरे एक मिनट यार, चुप रहना, इतना उतावला काय हो रहा है यार। तिवारी जी, यू आर इंसल्टिंग मी इन फ्रंट ऑफ द होल प्रेस। अल्लू के भैया एक बात बताइए आप हमको, ये जो प्रेस कॉन्डोलेंस रखे है, बाकी का लोगों का बेइज्जती करने के लिए रखे हैं आप? प्रेस कॉन्डोलेंस नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ऐसा ही पकड़े हैं, ये ना ही भूलिए कि भरभूति जी आपके फिल्म के टाइपराइटर हैं। अभी जी आप टाइपराइटर बोल सकती हैं, लेकिन राइटर नहीं बोल सकते, इट्स राइटर। ऐसा ही पकड़े हैं, इज्जत दीजिए ना उनको। अरे पक, तुम चुप रहो समझी ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्टर्ब मत करो, और आप जनाब अपनी मुंडी बीच में मत घुसाइए, समझ गए आप? मिस्टर मनमोहन तिवारी, कानपुर वॉन्ट्स टू नो, मॉडर्न कॉलोनी वॉन्ट्स टू नो, आपका हीरो कौन है? Who is your hero? आपने अपने फिल्म के हीरो के बारे में नहीं बताया। Tell the audience, they are watching it live. तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आपके समक्ष आ रहे हैं हमारी फिल्म के हीरो माननीय श्री प्रेम चौधरी साहब। ये आप ये हीरो को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या विलेन को? अरे भाई ये हमारी फिल्म के हीरो हैं प्रेम चौधरी। हाय दैया। हेलो एवरीबॉडी, का रे भाई हम तुझसे का बोले थे? का बोले थे? हम तुझसे नहीं बोले थे कि पंडित रामफल जो है बहुरिया का कुंडली देख के बोले हैं कि बहुरिया का जो है मशहूर हस्ती बनने का योग है? हाँ बोले तो थे। फिर हम तुझसे का बोले थे? का बोले थे? हम
तुझसे ही नहीं बोले कि बहुरिया को मशहूर हस्ती बनाने के लिए अपना जी जान लगा दो, अपना फिल्म में उनका चानस दो? बोले थे कि नहीं? हाँ बोले तो थे। तो फिर हमको साफ साफ मना काहे कर दिए? अरे पगली हूँ इसलिए क्योंकि हम भाभी जी को हीरोइन ले चुके थे। तो आप पहले हमको भी तो हीरोइन ही ले सकते थे ना अम्मा जी। अरे पगली माफ करना, तुम हीरोइन बनने के लायक नहीं हो। देखिए लड्डू की भैया, हम आपको बोलते हैं पूरे कानपुर में हमरे जैसा चैप्टर कोनो भी नहीं है। देखा अम्मा, ये चैप्टर को ये भी नहीं पता कि एक्टर बोलते हैं। ओ एक्टर होता है बहुरिया, ऐसे ही पकड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमको एक बार चांस देकर तो देखिए, ऐसा एक्टिंग करेंगे ना वो अनीता जी के छक्के छुड़ा देंगे। आपका फिल्म सुपर डुपर हिट होगा। हमको तो डर है कि कोई देखने भी जाएगा कि नहीं। कहा अपने मुँह में बड़बड़ा रहा है, जोर से बोल। नहीं नहीं नहीं, हम कछु नहीं बड़बड़ा रहे हैं। देखिए देखिए अम्मा जी, हमेशा ही हमरे मुरारी लाल को डाउन करते हैं। अभी मुरारी लाल कौन है? मोरल। अच्छा, मोरल कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। देख हमारी बात कान खुल के सुन ले। अब हम जो सवाल कर रहे हैं उका हमको सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। हमरी बहुरिया को अपना फिल्म में चांस देगा कि नहीं? ठीक बा। लेगा कि नहीं? फुल कर देगा। अब तई का बाप भी लेगा। अब कौन से बाले? हमरा मत बोले कि अब तई लेगा ही लेगा। लेंगे लेंगे लेंगे। काम पे गबा। अम्मा जी एक बार और बाद में मना कर दिए तो? सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग, और पॉ फट रही है। क्या फट रही है? पॉ। समंदर की लहरें सुबह के माहौल में संगीत खोल रही हैं। संगीत का रस खोल रही हैं। चूस भी भैया, भैया ये समुद्र की लहरों में से रस कैसे निकल सकता है? बल्कि समुद्र की लहरों से तो नमकीन पानी निकलता है। संगीत का रस, कोई गन्ने का रस की बात नहीं कर रहा हूं, संगीत का रस। चलिए मान लिया हमने कि गन्ने का रस नहीं है, लेकिन आप ये तो बताइए कि संगीत का रस कहां से निकल रहा है? जो लहरों की आवाजें आ रही हैं, वही तो संगीत का रस है। वैसे भैया अक्सर मैंने समुंदर की लहरों से शोर तो सुना है, लेकिन संगीत कहां से निकलता है? वो डिपेंड करता है सर कि कौन सुन रहा है उन लहरों की आवाजें। कोई जाहिल झपट घमट्टा तो नहीं सुन रहा। अगर वो सुन रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ शोर सुनाई देगा, और अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा सेंसिबल सेंसिटिव इंटेलिजेंट आदमी सुन रहा है तो उन लहरों को वो संगीत की तरह सुनेगा। देखिए बरखुदार, हम आपको पहले भी कह चुके हैं ये फिल्म जो है हम आलिम व फाजिल लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम रिक्शा चलाने वालों के लिए बना रहे हैं। तो जो चाट बेचने वाले मूंगफली चना बेचने वाले हैं उनके लिए बनानी है, समझे? तो कुछ ऐसा लिखिए जो उनको सुनाई दे। What is this? This is sheer insult of my script. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे आगे देख होता है क्या? मतलब?
मतलब ये कि अभी तो सिर्फ क्रिएटिव टीम ही तेरी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाल रही है, बाद में स्पॉट दादा भी सजेशन देंगे तेरी स्क्रिप्ट में, देख लेना। अरे वे, सो हमारी कहानी शुरू होती है, सुबह का वक्त है, इट्स अ मॉर्निंग टाइम। अबरबुद्धि जी एक ठो मिनट, वो कहना कि सुबह सुबह तो हमको बहुत बहुत ढेर सारा काम होता है। झाड़ू पोछा लड्डू के भैया के कच्चे धोते हैं, आप ना अब शाम का टाइम रखिए। भाभी जी आप प्रोड्यूसर की वाइफ हैं, आप चाहें तो रात का वक्त भी रख सकती हैं। ठीक बा। एक्सक्यूज मी, भोर चार बजे का वक्त मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, क्या उस समय मौसम बड़ा ठंडा ठंडा रहता है? हम यहाँ टहलने के लिए नहीं निकले। माय गॉड, साकार कौन है? पंडित प्रेम चौधरी है, हमारे हीरो, समझ नहीं रही हो? माफ कीजिएगा, आपके हीरो को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हीरो कम खलनायक ज्यादा लगता है। नहीं नहीं, वो का है तो हमरे हीरो ही हैं, बलून नहीं हैं। वो विलेन होता पगली? सही पकड़े हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हर्निया सुनामी एंड आई एम वेलकमिंग यू इन टुडे स्पेशल, क्योंकि मैं मौजूद हूँ यहाँ मॉडर्न कॉलोनी में, जहाँ हम जानने आए हैं मनमोहन तिवारी के फिल्म के बारे में। और मैं आप सबको एक और बात बता दूं, आज हम मनमोहन तिवारी के फिल्म के बारे में जानकर रहेंगे। मिस्टर मनमोहन तिवारी, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर फिल्म। रुके रुके, वो हम बताते हैं ना, वो हमारे लड्डू के भैया तो ये फिल्म के लिए बहुत ही खून पसीना एक कर रहे हैं, रोज हर एक के घर में जाकर ना चंदा भी मांगते हैं। ये पगली भी हमारी तरह झूठ बोलने में माहिर होती जा रही है। अनीता मिश्रा जी, आप बताइए कि आपका कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में? Do I need to say it? I'm the main lead. इका मजाक है हाँ? अनीता जी, आपका तो फिल्म में केवल घोस्ट अपीयरेंस है। आप गेस्ट अपीयरेंस कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। आपका रोल बहुत ही छोटा है, बस ऐसे आके निकल जाते हैं। कम ऑन अंगूरी जी, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा रोल छोटा नहीं है, बल्कि आपका रोल छोटा सा है। हम तो मेन हीरोइन ही हैं। और लड्डू के भैया बताइए, उनको आप हमको वाइन किए है ना? वाइन नहीं, साइन पगली, साइन। सही पकड़े हैं। वो बताइए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को बताइए कि मेन हीरोइन ही हम है, हम। वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, जर्नलिस्ट है पगली। सही पकड़े हैं। क्या बताएं, फिल्म ही नहीं बन रही है पगली। तिवारी जी, जी टेल मी द ट्रूथ, सच क्या है? मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप अपनी मुंडी ऐसे नीचे झुकाकर अपनी जुबान को चुप नहीं रख सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा, अंगूरी जी इस फिल्म की हीरोइन है या नहीं? बिकॉज कानपुर वॉन्ट्स टू नो, मॉडर्न कॉलोनी वॉन्ट्स टू नो। और सबसे मुख्य बात मैं आपको बता दूं, पहले तो इस फिल्म में सिर्फ एक ही हीरोइन थी, फिर ये दो कैसे हो गई? अबे हो, इस फिल्म इंडस्ट्री में सैकड़ों हीरो हीरोइन बिना बालों के घूमते, जाकर उनसे पूछ ना। मिस्टर प्रेम चौधरी, आप पहले मुझे ये बताइए कि इस फिल्म में आपके पहले सबसे बड़े बड़े बाल थे, लेकिन फिर आपने अपना ये सफा चट मैदान क्यों करवा लिया? क्या आप पर कोई दबाव था? अरे मेरे भैया, मेरे दादा, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, ये तो कैरेक्टर की डिमांड है। अनीता मिश्रा जी, आप बताइए कि आपका इस फिल्म में कैरेक्टर आखिर क्या है? ओके, आई एम टेलिंग यू, मेरा किरदार इस फिल्म में एक बहुत ही ब्रेव लड़की का है, बहुत ही बहादुर लड़की, जो अपने हीरो को दुश्मनों के चंगुल से बचा कर लाती है। आपको शायद लड्डू के भैया बताए ना ही, हीरो को तो हम बचाते हैं। नहीं नहीं अंगूरी जी, हीरो को मैं बचा कर लाती हूँ। नहीं, मेन हीरोइन ही हम है, हीरो को हम बचा कर लाते हैं, बोलिए ना। अरे अंगूरी जी, आपको पता नहीं है, इस फिल्म की हीरोइन ब्लैक बेल्ट है, जो कि मैं हूँ। और आपको ना ही पता कि हम मल्लयुद्ध में माहिर हैं। अंगूरी जी, अगर आप किसी हीरो से मल्लयुद्ध करेंगी ना, तो हीरोइन को पब्लिक से सिंपथी नहीं मिलेगी, इनफैक्ट पब्लिक एंजॉय करेगी।
हाँ तो हम रिलेटिव के भैया ये फिल्म जो है वो पब्लिक के एंजॉयमेंट के लिए तो बना रहे हैं। अरे अंगूरी जी, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। हर फिल्म में एक मैसेज होता है जो हमें मिलता है, एक अच्छा मैसेज। उसका कौन जरूरत नहीं है, हमारे मोबाइल पे रोज ही मैसेज आ जाता है। मैं उस मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ अंगूरी जी। हमको कौन मैसेज वैसे नहीं चाहिए, मेन हीरोइन ही हम है बस। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ दोनों भाभियों के बीच में एक कैट फाइट शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे पर बिल्लियों की तरह टूट पड़ी हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि इस फिल्म की हीरोइन आखिर कौन है। लेकिन मैं हरनिया सुनामी, आप सबका फेवरेट जर्नलिस्ट, आपके पास ये सवाल का जवाब लेकर आऊंगा, क्योंकि कानपुर वांट्स टू नो, मॉडर्न कॉलोनी वांट्स टू नो, द लेडीज एंड द जेंटलमैन एंड द बॉयज एंड द टॉडलर्स आउट देयर वांट्स टू नो कि इस फिल्म की हीरोइन आखिर है। अरे भूपा जी, अरे आपको कहां से पता चल गया हम फिल्म बना रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा मतलब यह है कि हम इस लाइन में भी थोड़ा पांव पसारना चाह रहे हैं। ये बताइए कि आप कितने पैसे लगाएंगे? हेलो हेलो, वो फूफा जी, हेलो तेरी हमारी फिल्म में विलन का रोल करना है फूफा जी को, लेकिन दमड़ी एक खर्च नहीं करनी का वक्त कहीं के। ये अरे अरे कच्चा बनन तू है क्या? हाँ, मैं ही है, लेकिन ये क्या तरीका है पूछने का? ये मेरा तरीका है। अच्छा, तू कौन है बे? मैं हाँ? मेरा नाम है गज्जू गुप्ती। गुप्ती जी आपको तो अक्सर अखबारों में ही देखा है, जिंदा पहली बार देख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा गलत फहमी हो गई। ये तुम आखिरी बार भी देख सकता है। अरे जनाब, नाराज काय हो रहे हैं, हुक्म कीजिए ना। देखो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसको आज तक फिल्म में कोई चांस नहीं मिला है। अरे 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 अरे, काय नहीं मिला? अरे बड़ी डेंजर लगती है। अच्छा, शादी करानी है क्या? दो चार लौंडे है हमारी नजर में। अबे ओए, मुझे कन्या दान करवाना है, उसको तेरी फिल्म में काम दिलवाना है। मेरी फिल्म में? हाँ, क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है? मुझे पता है तू फिल्म बनाने वाला है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। क्या? हम सच कह रहे हैं, हम कोई फिल्म विलम नहीं बना रहे हैं। अबे क्या बक रहा है? अरे सर, बस यूं समझ लीजिए कि बक ही रहे हैं, कोई फिल्म विलम नहीं बना रहे हैं। का है कि हम जो है ना, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रैंक टाइप का कुछ खेल रहे हैं। अच्छा, एम्बुलेंस ऑन द वे। भाई भाई लड्डू के भैया, भाभी जी, दिस इज नॉट फेयर। ये आपके खेलने खाने के दिन थे, आपकी गोली खा ली आपने भाभी। मुझे भी भाभी जी, हमने तो आपको बम्बई जाने से रोकने के लिए मंसूबे बनाए थे, लेकिन आपने तो ऊपर जाने के मंसूबे बना लिए। क्या, तूने बहू को मुंबई जाने से रोकने के मंसूबे बनाए थे? क्या बताएं आप लोगों को, हम कोई फिल्म विलम नहीं बना रहे हैं। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। हमने तो भाभी जी को मुंबई जाने से रोकने के लिए ये मंसूबे बनाए थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम सच कह रहे हैं, हम नहीं चाहते थे कि भाभी जी मुंबई जाएं, क्योंकि मुंबई में जो है बहुत लुटेरे टाइप के लोग रहते हैं, जो भोले भाले लोगों को अपने फायदे के लिए बेवकूफ बनाकर लूट लेते हैं। तिवारी जी, आपको अंदाजा है कि आपकी इस बेवकूफी की हरकत की वजह से भाभी जी और अनु ऊपर जाने वाली है? कोई ऊपर नहीं जाने वाला है। अरे मम्मी जी, हाँ, ये सब एक नाटक था। हाँ लड्डू के भैया, अरे मेरी भाभी भी ठीक है, ये नाटक ही था। उका है ना, अकिटी का चिल्लू भैया हमको बता दिए रहे कि आप कौन फिल्म विलम नहीं बना रहे हैं, बल्कि सबको बना रहे हैं लूल। अरे जी,
I could kill you.